सिमरन करो, चित सिमरन करो, चित सिमरन करो, चित सिमरन करो, चित सिमरन करो, नैन अवलोकनो, नैन अवलोकनो, नैन अवलोकनो, चित सिमरन करो, चित सिमरन करो, नैन अवलोकनो, सर्वन बाणी सो जस पूरखो, सर्वन बाणी सो जस पूरखो, मेरी प्रीत गोविंद स्यों जिन कटे, मेरी प्रीत गोविंद स्यों जिन कटे, मैं तो मोल महंगी ले जी सटे, मैं तो मोल महंगी ले जी सटे, मेरी प्रीत गोविंद स्यों, मन सो मध कर चरण हृदय धरो, मन सो मध कर करो, चरण हृदय धरो, चरण हृदय धरो, चरण चरण हृदय धरो, चरण हृदय धरो, चरण हृदय धरो, चरण हृदय धरो, मेरी प्रीत गोविंद सो बिन कटे, प्रीत गोविंद मोल महंगी नहीं जी सटे, मेरी प्रीत गोविंद स्यों, मन सो मद खर खरो, चरण हृदय तरो, रसन अमृत राम नाम भाखो, चरण हृदय धरो, रसन अमृत राम नाम भाखो, 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 मेरी प्रीत गोविंद स्यों कटे, मैं तो मोल महंगी दे जी
साधु संगत बिना साधु संगत बिना पाव नहीं उपजे साधु संगत बिना पाव नहीं दूरों कि लगता दूरों तो मैं कदर आया लाइट नहीं है दूर तो मैं पढ़ सकता अच्छा जिदा चलो कोई गल नहीं देख लें ठीक है इन्हों का हो जाएगा कोई स्कैनिंग के कोई परेशानी तो नहीं क्योंकि चल नहीं सकते अच्छा उत्थे लटाउन वास्ते स्कैनिंग करने वास्ते या कोई होर प्रॉब्लम किस तरह कोई शुगर या बीपी कोई ऐसा कुछ नहीं है तुर फिर लेंदे माड़ा मोटा नहीं ठीक है उस तो बाद फिर छे क महीने ठीक होया छे क महीने बाद फिर मैं तलन गुरद्वारा साहब मत्था टेकन जाता पाया जी वो गड्डी चक लत बिल्कुल डैमेज हो गई लत बड हो गई जसवीर सिंह परम सत्कारयोग गुरु प्रसाद संगत जी अज संत बाबा प्रीतम दास मेमोरियल चैरिटेबल हॉस्पिटल पिंड रायपुर सूरपुर विखे जो अखां दा फ्री कैंप संगत एड वालों लगाया गया सी उस दे विच हज़ारां दी तादाद दे विच लोगों ने इस कैंप का लाभ उठाया तो जिहड़े सिलेक्ट किए गए कोई 550 दे करीब मरीज उन्हां दा सारयां दा नंबर दे के क्योंकि 50 तों ज़्यादा असीं ऑपरेशन नहीं कर सकते तो सेहत विभाग का यह हदायत है वो अनुसार असी सारा कुछ करते हैं तो 50 के करीब हर रोज़ अज 4 दिन हो गए चौथा दिन है इन्हों ऑपरेशन करद्या होया तो डॉक्टर साहब ने बहुत वधिया लेंस पाए आ वधिया कंपनी के लेंस पाए आ बिना चीरे तो बिना टांके लाने तो लेजर के नाल इन्हों ऑपरेशन किए गए आ तो अज चौथा दिन है पंजवा दिन है पंजवें दिन भी असी जिहड़े सिलेक्ट किए हुए उन्हां दी बारी बार फाइलां तैयार हो रही उन्होंने अज ऑपरेशन हो जाएंगे तो कल उन्होंने छुट्टी दी जाएगी ये कल दे जो ऑपरेशन किए तो रात इन्हों जे नहीं सी जा सकते उन्होंने असी अपने कोल रखिया जोड़े घर चले गए वापस आए हैं तो इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आके सेवा ली आ तो अज बड़ी कई बार परेशानी होंगी आ तो जिस वेले कोई इस तरह के मरीज साढ़े को इन्ह दियाद्रियाँ भी जवाब दे गई चल फिर नहीं सकते और अखा के भी बहुत रोशनी घट है तो डॉक्टर साहब ने चैकअप किया इन की रोशनी वापस उस तरह आ जाएगी तो मालक की कृपा के नाल दोहां पास ही इन्हों दोहां अखा के मोतिया हाँ दोहां अखा के मोतिया असी एक एक करके दोवें ठीक कर देवे तो मालक की कृपा के नाल अज इन्हों सिलेक्ट करांगे एक अख का अज इन्हों का ऑपरेशन हो जाएगा एक फिर असी कोशिश करांगे 19 तरीक नूं क्योंकि कल नूं नहीं होने ना ठीक है ना कल ऑपरेशन नहीं होने तो इस करके असी 19 तरीक नूं दूसरी अख का करांगे 19 नवंबर नूं तो अज इन्हां नूं नाले पता लग जाएगा किन्ना अपना चल सकदे आ की कर सकदे आ तो अज इन्हां दा ऑपरेशन शाम नूं असी कर देवांगे तुहाडा नाम जसवीर सिंह जी हाँ जी जसवीर सिंह कीड़ा जी अडेरू पिंड जी तो किन्ने क देर तो ये तुहानूं प्रॉब्लम है जिन्ने भी कैंप लगते दवाइया दे के ही कहते ठीक है जी दवाइया ना ठीक हो जाना पर जिहड़ी प्रॉब्लम है अंदर मोतिए दी ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਮੋਤੀ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਜ਼ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ
तो फिर वो नज़र वापस आती है, जिनी नज़र साड़ी मालक ने सानू दी है पिछे नज़र रुकी होंगी आ, तो जो ऑपरेशन हों फिर लेंस पाए जाते हैं दुगना, उस तो बाद फिर असी दोवें अखा का ऑपरेशन करके तो फिर थोड़ा ऐनक लावे वो दूर की नेड़े की जिदा मर्जी तुम पाठ कर सकते जो मर्जी कर सकते हैं, थोड़ी नज़र जिदा पहला सी उस तरह थानू वापस आ जाएगी। तो असी कोशिश करते हैं क्योंकि थोड़े वास्ते सारा काम असी कर रहे हैं, तो गुरु पातशाह कृपा करे, एक 10 रुपए की शीशी नहीं बंदा लै सकता, तो करोड़ों की अपनी अख गवा बैठता। तो सारे बेनती है जिन्हों को कोई प्रॉब्लम माड़ी मोटी है रिश्तेदार भी है, तो अपना घर है, अपना हॉस्पिटल है, अपनी ही लोग है जोड़े सानू बाहर बैठे साडा फिक्र कर रहे हैं, तो वो इतने आके कैंप लाते हैं, तो पूरी तरह उन्होंने 3-4 तरह के असी लेंस पाने, तो उन्हों का पूरा जो खर्चा है वो संगत साढ़े बाहर संगत जो सारा कर रही हैं, तो ये साढ़े डॉक्टर साहब डॉक्टर सोहल जी जसवंत सोहल जी साढ़े को हर समय हर टाइम जो भी कोई कैंप लगता वो शामिल होंगे, तो असं इन्हों का धन्यवाद करते हैं। संगत एड के भी इन्होंने बहुत काम किया, तो गुरु पातशाह इन्हों तंदुरुस्तियां बख्श करे, तो असी सारी संगत का धन्यवाद करते जिन्हों लोगों ने सानू सेवा दी है, और जो अगे हुण फाइलां बन रही उन्हों का शाम को ऑपरेशन हो जाएंगे, तो फिर शनिवार कल नहीं मेरा ख्याल होणगे ना, ठीक है, तो 5 दिन तो अज पंजवा मतलब 5-5 करके असी 50-50 करके सारे ऑपरेशन किए आ, तो बहुत कामयाब है। कोई माड़ा जिहा किसी की लाली है जां पानी अख चो जाता तो कोई फिक्र नहीं किसी ने करना, ये 3-4 दिन तक सारा नॉर्मल हो जाएगा, तो किसी ने भी कोई मन से बोझ नहीं पाना मेरी अख लाल क्यों या मेरी अख चो पानी क्यों आया या माड़ी मोटी दर्द जी, तो दवाइया इस करके दी जा दर्द ना हो पानी ना हो तो अखा जी लाल हो ठीक हो जाए साफ हो जाए, तो दवाइया सारे ने ख्याल ना खानिया टाइम ना खानिया, तो बाकी डॉक्टर साहब सानू दसणगे बाहर बैठ के समझाउणगे उस तरह आप सारे ने करना, ठीक है ना, तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, तुम भी धन्यवाद कर दौ सारे का, तो आप फिर बाहर संगत को फिर छुट्टी देनी कि अज गुरु पातशाह खुशियां लैनिया सारे मान सत्कारयोग संत बाबा निर्मल दास जी और पूरी साध संगत जी, वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। जिवें बाबा जी ने दस्या है अज पंजवा दिन है, तो 50-50 तकरीबन ऑपरेशन हो रहे हैं, ये जो बाबा जी का उपराला है तकरीबन पिछले 20-21 साल तो बाबा जी हर साल इतने कैंप लाते हैं, तुम अंदाजा ला सकते हो कि हर साल किन्ने क मरीज़ इतने आते हैं, और कोई 15-20 हज़ार के करीब ऑपरेशन हो चुके हैं, तो बाबा जी दे नाल जो महाराज का आसरा लैके बाबा जी आप हाजिर हो के महाराज जी अगे पाठ करके अरदास करके कार्य शुरू किए जाते हैं, तो वो दो चीज़ा जिहड़ियां हन एक अरदास है तो दूजा आप जी का विश्वास है, जे तुहानू विश्वास है तुसीं आके काम कराउंदे हो बाबा जी महाराज ते विश्वास है वो महाराज जी अरदास करके करदे हन, तो अज तक जितने भी ऑपरेशन होए हन उन्हां च किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं आई, तो असीं बाबा जी दे गुरु नानक निष्काम साहब जथा बर्मिंगम यूके इंग्लैंड निवासी जो इन्हां दे उन्हां दे अधीन जो साडी संगत एड है और संगत टैलीविजन है जिहड़ी सारी यूरोप दे विच दुनिया दे विच ओह टैलीविजन राही आप सारे उन्हां दे ऑपरेशन जो हुंदे हन देखदे हन, तो उन्हां दे सहयोग दे नाल और संगत उन्हां दे एड वास्ते आप जी वास्ते खर्चा दिंदे हन, तो उन्हां दे सहयोग नाल इह कार्ज हुंदे हन, तो समुचे तौर पर असीं बाबा जी का बहुत बहुत धन्नवाद करदे हां क्योंकि बाहरों बैठे पैसे घल दिंदे हन, तो जिहड़ा इत्थे कार्ज करना है वह बाबा जी आप करदे हन, बाबा जी 24 घंटे हाजिर रहिंदे हन, भावें बाबा जी दे कितने भी कार्ज होण लेकिन बाबा जी सारे छड्ड के आप सारे मरीज़ां नूं देख के कल्ले कल्ले नूं ऑपरेशन थिएटर च घल के फिर बाबा जी आप सारे इंस्पैक्शन करके, तो ये जो कार्य असीं बाहर बैठे नहीं कर सकते बाबा जी करदे हन, जिस करके असीं समुचे तौर पर बाबा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्यों इहो जिहा काम होर किसी होस्पिटल च नहीं हुंदा, असीं देखिया बाहरले होस्पिटल चल जाओ गुरु नानक मिशन और चल जाओ होर होस्पिटल वो तुहानू सद लैणगे आ जाओ जी अज पंज आ जाओ सत आ जाओ, तो इत्थे आप सारयां नूं इक्को वारी सद के जिन्ने हो सकदे उह प्रोफेशन कर दिते जांदे हन और महाराज की कृपा दे नाल कोई भी रुकावट नहीं आउंदी, तो इस करके एक बार फिर सत्कारयोग बाबा महेंद्र सिंह जी यूके उन्हां वल्लों बाबा जी का और सारे डॉक्टर की टीम का क्योंकि अच्छे डॉक्टर नाल जुड़े हुए हैं पिछले 20 सालों तो उन्हां दे सारे ऑपरेशन करदे हन, तो असीं सारी टीम का धन्यवाद करते हैं, इत्थे सेवादार जो हैं जे बाबा जी दे नाल सहयोग दिंदे हन उन्हां सारयां दा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आस करते हैं इस तरह ही सेवादार भी सेवा कमाते रहेंगे और बाबा जी भी मेहरबानी करके आप सारयां दे ऑपरेशन करवाते रहेंगे, तो आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।
साढ़े शमरीत जी इंग्लैंड तो विशेष करके पहुँचे आ और साढ़े भाई साहब बलेना जितों आप गहने गुहने बनाने मुंदियाँ छले बनाने अपनी टौर कटते हैं वह भी साढ़े को आए हुए हैं तो की नाम अपने जूलर कहड़ा जूलर जी शंकरदास जूलर अपने बलेने वाले वो विशेष करके साढ़े को पहुँचे असं इन्हों का भी इतने धन्यवाद करते हैं तो गुरु पातशाह कृपा करे सारे जो आवे सो राजी जाए सुख होवे नाम चेता आवे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरद आ जाओ हम पहला भैणा बेनती है कि भैणा सारे अगे आ जाओ भाई साहब फिर बाद चाहे पहले भैन सारे आ जाओ नाल साढ़े आ जाओ आ जाओ आ जाओ थैंक यू आ जाओ पूर्ण सिंह जी के 40वें वर्षे क्योंकि संत बाबा पूर्ण सिंह जी जिन्होंने गुरु नानक निष्काम सेवक जथा क्रिचो अफ्रीका विचों स्टार्ट करवाया सी 70 साल पहले तो उन्होंने बरसी मनाते हुए इस साल 40वीं बरसी मनाई जा रही है देशों विदेशों के पिंड गुड़े उस स्थान पर अफ्रीका दे क्रिचो दे और इंग्लैंड उन्हां दे संबंध विच एक खास कैंप अखां वास्ते लगाया जा रहा है और संत बाबा निर्मल दास जी बाबे जौड़े और संत बाबा प्रीतम दास जी चैरिटेबल हॉस्पिटल विखे एक कार्य किया जा रहा है तो आप जिन्हां दे राती ऑपरेशन होए सन डॉक्टर साहब की टीम ने बड़े सुचे ढंग के सारा ऑपरेशन किया अपना बाबा जी का गल कर रहे थे और मेरी दुनिया के अपनी दुनिया की सर्जरी करते थे और उसे गवर्नमेंट के वालों मुफ्त इलाज किया जाता है बहुत सारा जो काम कर भी खास सारे काम कर दिया सात सात होते थे और मैं देखा कि जब अभी मुफ्त इलाज करिए तो ये भी कीमत घट पैदी है क्योंकि जेब तो पैसा नहीं लगता जिन्होंने सानू 300-400 पाउंड देकर अपने घर लगाए एक बार सारे को वापस आना मुड़ के कभी कंप्लेन नहीं करना
और जिन्हें मुख लागे सर वो हर हफ्ते मेरे इतने दर्द हो गया मेरे इतने लग गया मेरे इतने लग गया है तो आप जी का मुफ्त इलाज होया इसका मतलब ये नहीं है कि आप जी की कोई वैल्यू नहीं है लेकिन आप जी को इसका मान सत्कार करना चाहिए है जो पैसे लेके इलाज सत्तर सत्तर अस्सी हज़ार रुपये ले तुम जाओ तो पिछले तीन हज़ार फिर आप दो करो जमा करवाओ तीन हज़ार फिर कर दे इसी तरह का कोई चीज़ नहीं कह रही है तो इस तरह के समय भी कर लो और माँ पुछा भी कर लो माँ पुछ नाम के पाव देखा क्योंकि नाम तो बिना कोई चीज़ नहीं मिलती है तो माँ पुछे आप बाबा जी गुरु महाराज का पाठ करके सुखमी साहब के पाठ लो या अखंड पाठ साहब व्रत करके सेवा करके फिर एक कार्य के पूरा होगा और तुम देखिए जो कैंप इतने शुरू होता तो बाबा जी आप अरदास करते हैं जब तो आगे अखा का पेशेंट वास्ते उधर जाने मरीज तो महाराज आप अरदास करके महाराज अगे तो फिर तुहाडा कार्य करवाते हैं तो इस करके अज तक कदे भी किसी मरीज दी अखां दे विच कोई नुक्स नहीं होया क्योंकि महाराज आप इतने हाजिर होंगे हैं और नाल नाल बाणी का सत्कार करते हैं बाणी का प्रचार करते हैं तो असी बाबा जी के समुचे तौर पर बहुत बहुत ऋणी हाँ बहुत बहुत धन्यवादी हाँ इस छोटे कार्ज नहीं है इतने लंगर का प्रबंध बाबा जी आप करते हैं इतने वेखते हैं बैठने वास्ते चेयर आप जिन्ना भी सारा समान बाबा जी आप खुद करते हैं तो असी इन्हों का धन्यवाद करते हैं क्योंकि बाहरों संगत बैठिया पैसे जरूर दे देंगे पर जोड़ा इतने आके मेहनत करनी पैंती है वो बाबा जी की मेहनत है बाबा जी का भैन जी संतोष है जोड़ा कि हर चीज़ का देखते हैं सही तरीके चल रही है तो अभी समुचे तौर पर आसा भाई अमृत सिंह जी लुधियाना वालों संगत वालों बाबा जी का बाबा जी टीम का बहुत 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 धन्यवाद करते हैं रेणी हाँ जो आप जी ने सेवा प्रदान कर रहे हैं तो इस तरह ही असं थोड़े धन्यवादी हाँ तुम विश्वास करके जाकर सेवा लेंगे हो और आस करते हैं इस तरह ही जो सेवा है निरंतर चलती रहेगी तो बाबा जी दास वालों भी आप जी का बहुत बहुत प्रार्थना तौर पर बहुत धन्यवाद बाबा जी बहुत मान कर सकते हैं सब बहुत ही मान लेते हैं जिनके सेवा की हाँ तो अभी बाबा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी मरीज जो हौली हौली चलते उन्नी आप लेट हो रहे हैं हम दो तीन हूँ आए हैं असं कहते सारे पता लग जाए क्योंकि जो लेट आता कई गलों का नहीं पता लगता फिर वो परेशानी हो जाती है वो असं समझे नहीं गल कोई गल नहीं दो मिनट और वेट कर लो ठीक है कह दौ दो मरीज रहते हैं किन्ने हो गए किन्ने कार्ड जय गुरुदेव धन गुरुदेव जय सिंह जय धन वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सब तो पहला मैं सारी संगत नू बाबा जी नू अज भगवान वाल्मीकि जी महाराज की शोभा यात्रा जलंधर के बहुत वड्डे लेवल ते कढ़ी जा रही है तो असीं भी उत्थे जाना सी पर संगतां नहीं आ रही पट्टियां कलाउण नू असीं 10 बजे पहुंचना सी इत्थे तो लेट हो रहे कल नू गुरपुरब है तो सारी संगत नू बहुत बहुत मुबारकबाद और तुहाडा धन्नवाद सारी संगत दा जिन्होंने अपनी सेवा बख्शिश की है और संत बाबा लिखनदास जी महाराज इन्होंने नाम से हॉस्पिटल है बड़े ब्रह्मज्ञानी महापुरुष उन्होंने चरणों से असं प्रणाम करते हैं कि जिन्होंने बड़ा बड़ा प्यार बख्शिश किया है और संत बाबा लिखनदास जी महाराज जिन्हों द्वारा ये कार्य रंभे गए हैं उन्होंने चरणों से कोटन कोटन प्रणाम सब तो ज्यादा धन्यवाद असं गुरु नानक निष्काम सेवा सोसाइटी का पूरा सहयोग है तो उन्होंने वालों ये अपने दसवंत करके सारा जो संगत भेजती है ये आप जी के जो राज लगते हैं तो बाबा जी की प्रेरणा के सदक सारा कुछ हो रहा है तो आप सारा ने अरदास करनी है कि जेड़ा भी खजाने चो माया आ रही है तुहाडे वास्ते खर्च रहे हैं उन्होंने परमात्मा दे रूप दा तंदुरुस्ती बख्शिश करे और अगे तो भी इदा दीआं सेवावां करन दी बल बख्शिश करे और मैं बाबे जवाई टीवी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि जिन्हां दे द्वारा ये सारा प्रचार होया और जिसन सुन के आप लोग पहुंचे हो और कुछ पेपर मीडिया जगवाणी अजीत और भी बहुत सारिया अखबार हैं जिन्हों के माध्यम से प्रचार किया गया है तो अभी सारे मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं खास तौर पर बाबे जवाई टीवी चैनल सारे देखो क्योंकि बाबे जवाई टीवी चैनल से
ਜੋ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੇਤਨਦਾਸ ਬਾਬੇ ਜੋੜੇ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਰ ਸੰਡੇ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੁਦ ਲਾਈਵ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਬੇ ਜੋੜੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਨਿਰੋਲ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੂਰੋਂ ਦੁਰਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ ਹੋਠ ਨਾ ਵਾਰੰਵਾਰ ਇਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਯੂਅਰ ਬੋਡੀ ਇਜ਼ ਅ ਸਾਊਲ ਆਫ ਗੋਡ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਘਟ ਘਟ ਮੇਰਾ ਜੂ ਵਸੇ ਸੰਤਨ ਕੇ ਹੁਕਾਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰੋਗ ਰਹੇਗਾ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਰਹੇਗਾ ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਵੀ ਚੱਲੇਗੀ ਆਪਾਂ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪਾਤੇ ਆ ਬਸ ਉਸਨੂੰ ਕਿਤਾਬੀ ਕੀੜੇ ਬਣਾਤਾ ਸਕੂਲੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ ਚਲੋ ਜੀ ਪੜ੍ਹੋ ਬਾਕੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਮੈਂਟਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਟੀਚਰ ਵੀ ਮਾਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਵੀ ਮਾਤਾ ਹੈ ਤੋ ਮਾਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਈਏ ਆ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗਣ ਉਹ ਵੀ ਦਸਵੰਦ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਤੇ ਇਤਨੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਬੂਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕੋਟਨ ਕੋਟਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਾਰੀ NRI ਸੰਗਤ ਦਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਆ ਸਾਰੇ ਬੋਲੂਗੇ ਸਰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਐ ਬੰਦੇ ਰਾਸਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨੇ ਐ ਬੰਦੇ ਰਾਸਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲੋ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਥੋੜੀ ਚੱਲ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲੋ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਕਦੀ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜਦੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਨਵਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੈਰ ਕਰਨ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਦਬਾਅ ਪਕੜ ਲਈ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇਖ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਾਢਿਆ ਦਾ ਭੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਾਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਪੈਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਮਰਨੇ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀ ਆਏਗਾ ਮੱਛਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਰਦੇ ਉਹ ਮੱਛਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਤਨ ਦਿੱਤੇ ਆ ਰਤਨ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੇ ਰਤਨ ਰੂਪੀ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਲੱਗਾ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਦੋ ਢਾਈ ਮਿੰਟ ਸਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਢਾਈ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਈਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਤਿੰਨਾਂ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੈਂਟ ਹੋ ਬੀਬੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ
ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਭਾਵੇਂ ਹੱਥ 'ਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਘਰ ਰਾਜਨ ਹੋਸਪਿਟਲ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਦਵਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਣੀ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਉੱਥੇ ਖੋਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣਨਾ ਪਵੇ ਅੰਦਰ ਰੁਕ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਓ ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੈਣਾਂ ਆਏ ਆ ਵਧੀਆ ਪੰਗਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਲਿਓ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਕ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆ ਜੇ ਕੱਖ ਰੈਲੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆ ਜੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਦਾ ਅੱਖ ਬਦਲਣ ਦਾ ਜੇ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤਾਂ 2.5 ਲੱਖ ਲੱਗਦਾ 2.5 ਲੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੋ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹਰਦੁਆਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਗਾਈ ਹੈ ਇੰਨੇ ਦੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਿਖੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਯਾਰ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਮਿਲਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀ ਭਾਂਡੇ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਖੜੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡੋਲੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਓ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਈ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਧੁੰਮਾਂ ਪਾਈਆਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹੋ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਆਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਰਤਾ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਸੋ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਮਾ ਦੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਆਏ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਚੱਲਦਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਰਾ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜੀ ਬਾਬੇ ਜੋੜੇ ਟੀਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਏ ਆ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਜਾਣੇ ਆ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਭਾਵੇਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰਦੇਸਾਂ ਪਰਦੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਜੀਣਾ ਵੀ ਜੱਗ ਤੇ ਕੀ ਜੀਣਾ ਜਿਹਦਾ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਜੀਣਾ ਵੀ ਜੱਗ ਤੇ ਕੀ ਜੀਣਾ ਜਿਹਦਾ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖਿਆਂ ਆਪਣਿਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਲਈ ਭੋਰਾ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੌਮ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਰਤੂ ਉਹ ਕੌਮ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਮਨੀ ਮੀਡੀਆ ਜੀ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਨੀ ਮਨੀ ਮੀਡੀਆ ਜੀ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਨੀ ਸੋ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਡੇਰੇ ਦਾ ਟੀਵੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਔਰ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਕੱਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਾਥੀ ਬੀਬੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਆਈ ਆ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸੀ ਚਲਾਂਗ ਤੋਂ ਵੀ ਸੀਗੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਸੀ ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਖੜੇ ਲੱਲਣ ਯਾਦਵ ਉਹ ਸੀਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆ ਸੋ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਏਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੀ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਸੇਵਾ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਆ
फिर भी थोड़ा सारिया का जरा इलाज हो रहा है उन्होंने चढ़ती कला वास्ते भी जरूर अरदास करो जेडे परदेसा की धरती से बैठ के थोड़े सारिया का जरा इलाज फ्री करवा रहे हैं सतगुरु जी उन्होंने भी चढ़ती कला च रखने एक अपना छोटा जा शब्द गायन करना है अपनी रसना नु पवित्र करना बीबिया भैन ने सारिया ने मगर जरूर बोलना क्योंकि संतां दी संगत जिहड़ी है कदे कदे मिलदी हुंदी है नाले देखो तुसी अपने अखां दा इलाज कर लिया नाले महापुरशां दी संगत कर लई दो काम हो गए तुहाडे सुखी सारे ने बोलना जी पिछे पिछे दो घड़ियां मेरियां जी गुरां दे लेखे लगियां गुरां दे लेखे लगियां दो घड़िया मेरिया जी गुरां दे लेखे लगियां गुरां दे लेखे लगियां मेरिया जी गुरां दे लेखे लगियां गुरां दे लेखे लगियां दो घड़िया मेरिया जी गुरां दे लेखे लगियां गुरां दे लेखे लगियां सतगुरु माई बाप है 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 सतगुरु माई बंदे गुरां दे लेखे लगियां गुरां दे लेखे लगियां दो घड़ियां मेरियां जी गुरां दे लेखे लगियां गुरां दे लेखे लगियां बहुत बहुत धन्यवाद करना बछड़िया का प्यार बछड़े जो
देखो मालिक ने जिन्हां करते खेल रचाया कोई ना किसी ने जिन्हें पाया परमात्मा ने किसी ने कोई गुण दिता किसी ने कोई गुण दिता। एक बार असी अमेरिका यूएस चलन लगे थे एक लड़की एक लड़का पायलट वह इस तरह साढ़े को भी लंघे तो वो सा जो मुंडे से कह लगे साढ़े बाबा जी ने जाना तो पिछले तुम इस फ्लाइट लैके जाना और लड़का जरा ना उन्हें अपने हाथ किया भी मैं पायलट हाँ तो वह लड़की हस पे तो जो हसी तो मैं मुंडे को पूछा मैं क्या ये क्यों हसे पूछा तुम इन्हे बारे आ तो कहना भी झूठ बोलता पायलट तो मैं आ लड़की आ। एक बार अभी रात को कि जा रहे थे डेढ़ बजा हुआ बड़ा ट्रक जरा होंगे ना कोई पैंती छत्ती टायर का जो लड़की चला रहे रात को डेढ़ बजे वो फटाफट ट्रक खड़ा करके इन्ना पानी चाह का कप लैन गई मैं देखा भी लड़की को दौड़ के ट्रक दो डेढ़ बजा रात का कहते ड्राइवर है मोहरे टाइम दिता होंगे एक मिनट नहीं रोक सकते बच्चिया एडा एडा काम कर दिया देख लो कलिए लैके तुरिया जहाज कले ट्रक लैके तुरिया तो साढ़ा कला ही प्रिया बंगा दुबई लैके तुरै बहुत बहुत धन्यवाद दुबई की होर भी सारे पंजाब के प्रोग्राम करते हैं शेर बच्चे जो आते हैं कहते भी तुरे फिर मार्ग की कृपा उन्होंने तो मैं हम बेनती करा अपने डॉक्टर साहब आए डॉक्टर साहब आए शुरू करिए हूँ अपने मरीज साढ़े पूरे हो गए तो अभी बेनती करते सारे ख्याल के लाभ डॉक्टर साहब की गलबात सुन ली है पहला जो पाठ देवे चरण जी कौन जी चरण चरणों बीबी लो हाथ खड़ा करना उठना नहीं किसी ने भी आप अपने पाठ ले लो ठीक है रोशन सिंह रोशन सिंह आज अमृत अमरजीत कौर सोना सुरिंदर कौर अवतार सिंह इंद्रावती हाथ खड़ा करो बोली जाओ इंद्रावती आज पकड़ो कितो आए देवराज कितो आए बात कमू है है गुरु नानक नगरो और पिछों कितो आए आवाज थोड़ी हो रहा बोली और कितो आए गुरु नानक ने पिछों कितो आए हैं यूपी से हो बिहार से हो कहाँ से हो बिहार से है मैं यहाँ से बस यही है बात वो बात भी ना सारी पंजाब की है रजिंदर कौर राम लुभाया जी सुरिंदर कौर चमनलाल सुरिंदर कौर आलो जी देव सुरिंदर कौर सुखविंदर कौर कनैल सुरिंदर कौर राज रानी देवराज जी पिछे उधर पिछे भी है सर राणो राजकुमार भैया इतने लग गया स्टाफ है तुम लग नहीं रहा करो शिव चरण दास जी मंजू लज्जू जी मंजू ना यहाँ थे आप अच्छा देवीतराज से आगे से कहाँ से आए इस तरह लक्ष्मीपुर नहीं लक्ष्मीपुर से और पीछे जाओ अंबारे से और यूपी में अंबारा के हरियाणा में तो आवाज तो थोड़ी यूपी की है हरियाणा तो आए जी अंबारे तो पीछे की नाम वंदना लो विजय कुमार जी जोगिंदर कौर जोगिंदर कौर हरभजन कौर हरभजन कौर सत्या देवी प्रकाश चंद सत्या देवी प्रकाश चंद ठीक है सुरित्री देवी छिंदो वाइफा मिंदर छिंदो वाइफा मिंदर छिंदो प्रवीण भल्ला प्रवीण भल्ला जी सिमरो वाइफा बलबीर चंद सिमरो बीबी सिमरो जी कहां से आए आप हाजीपुर
फरीदपुर पीछे कहाँ से हो? यूपी से? बिहार से? बिहार से हो? कौन सा जिला बिहार में? खगड़िया जिला। किसके साथ आए हो यहाँ पे? किसके? हम का घर वाला है। घर वाला है? कैंप में ऑपरेशन ठीक ठाक हो गया? हो गया। तो पैसा तो नहीं लिया? खाना मिला था? तलवाड़ा दे कोल हाजीपुर डॉक्टर साहब आप पूछो ना कितों आए की नाम है तो फिर कोई परेशानी तो नहीं मिली क्योंकि थोड़ा उधर ज्यादा थानू पहचानते हैं लोग इंग्लैंड में। इधर आओ जी। आप देखे होगा यूपी तो नाम पठानकोट तो तकरीबन 4 घंटे लगा है जितों आके ऑपरेशन करवा दें। और आप कहाँ से आए? कौन सा इलाका है? अयोध्या। और यहाँ कैसे पहुँचे आप? यहाँ पर काम करते हैं। काम करते हैं तो आपने अखा का यहाँ पर माता जी का इलाज कराया था? पहले ठीक नहीं रहा था? माता जी ठीक है। माता जी ठीक है? हाँ जी, हमारी दिक्कत थी। वो कब हुआ था? ये तो अभी 2-3 साल लेट हुआ था। माता जी का ठीक है। आप देख रहे हो नाम क्या है? कल ही आपको सिलेक्ट करके ये दीदी ने आपको किया है। देखो बहुत बढ़िया। तो डॉक्टर साहब की बहुत मेहरबानी, जब भी आए तभी मेडिकल करके इनका जो ट्रीटमेंट था वो कर दिया। लेंस बढ़िया पड़े हैं आपके, तो ये पकड़ो अपना कार्ड अपने पास रखना। ये लेंस पड़े हैं ना वो ही है, देखो स्टिकर लिखा हुआ है, संभाल कर रखना। जब डॉक्टर साहब बुलाएंगे एतवार को तो जल्दी आना। मनजीत कौर हरबंस लाल, मनजीत कौर बलबीर सिंह, भगत सिंह, गुरदेव कौर, मिंदर कौर, गुरदेव कौर जी, कुशल्या देवी, कुशल्या देवी, कुशल्या देवी, कुशल्या देवी, सुनैना देवी, सुनैना जी, सुनैना, कैलाश चंद्र, कैलाश चंद्र जी, कहाँ से आए? लक्ष्मीपुरा, 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 देवीतरा। तो पीछे से कहाँ से आए? पंजाबी हो? यही रहते हो? पंजाबी बोलो ना फिर। जीत कौर, जसवीर सिंह, जसवीर कौर, स्वर्ण सिंह, जसवीर कौर, सुरेंद्र कौर, कुंदन लाल, संभाल कर ली अपने आप घर जाके अख तुसी एक हफ्ते तक बिलकुल संभाल कर ली तो बहुत वधिया निगाह बन जाणी तुहाडी। ठीक है, 40 दिन की दवाई तो मैं समझावे तो तुम अपने घर जाके 40 दिन का कोर्स तुम अपने हिसाब न करना जिदा मैं तुम समझावगा। जे किसी को घट सुन वो अपने नाल किसी बुला लैन वो सुन लेंगे दवाई।
एक कैप्सूल है जो खाली पेट खाना, उस तो बाद जिन्हें भी गोलियां है सवेरे शाम रोटी तो बाद खानी। अपनी किसी तरह की भी कोई दवाई जिदा शुगर की बीपी की हार्ट की गोडे दर्द सह की कोई भी दवाई अपने डॉक्टर को पूछे बगैर बंद नहीं करनी। परहेज एक ही है कि आपको इस तरह करके नहीं मलना, पानी के सीधे छिट्टे नहीं मारने, तो झुंड नहीं करना, दो चार परहेज है सिर्फ। तो डंगर बच्छे को नहीं जाना कि जे कोई ऐसा पूछल पाछल मारते गंदी मंदी जगह पर नहीं जाना। बाकी बाबा जी तुम फिर समझा तो यह दो तरह के दारू ने तुहाडे लिफाफे दे विच जिहड़ा मर्जी एक पहला पाना, पांच मिनट बाद दूसरा पा लेना, बिच सुई नहीं मारनी, जोर ना टक्कर कमाओगे अपने आप भी सुराख हो जाएगा। जिदा मैं अंदर तुहाडी दवाई पाई ना थल्ली वड़ के, इस तरह तुसीं एक बूंद पा लेनी, पांच मिनट बाद दूसरी पा लेनी, दिन के छे छे बार दोनों पैने चाहिए। कई पेशेंट अंदर पूछते हैं कि दूसरी अख च भी पा लिए, दूसरी अख च नहीं पानी दवाई, दूसरी अख च पाओगे तो 14 दिन लिए धुंधला नजर आएगा। सिर्फ उस अख के पानी है जिस अख के ऑपरेशन होया, ठीक है, दूसरी अख के दवाई बिल्कुल नहीं पानी है। तो अरदास करनी है जिन्होंने तुहाडे पैसा खर्च किया है, 250 ऑपरेशन हो चुके हैं, तो अज भी 50 मरीजों के ऑपरेशन होने हैं। जे तो कोई रह जाता पेशेंट वाला, कोई पेशेंट जायदा का, तो 19 तरीक नस्पताल वाला ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक है जी। घर जाके अज ही अपनी दवाइया पानिया शुरू करनी है, यह नहीं कि अज दवाइया देते कल तो शुरू करा, कई मरीज करते कल तो शुरू करती हैं। कार्ड भी अपना नाम लैके आना, जिहड़ियां दवाइया तुहाडियां भावें खत्म होण तुहाडे विच हैगियां, तुसीं लिफाफा नाल लैके आना, दवाइयां विच ही होनी चाहिए, तो मरीज भी नाल ही आना चाहिए। तो एतवार नूं तुसीं सवेरे इत्थे 9:30 बजे पहुँच जाना, ठीक है जी। जेकर कोई भी दवाई कमी पेशी होगी वो असीं तुहानूं फ्री देंगे। बाबा जी क्या होया कि 40 दिन तक तुहानूं दवाइयां बिल्कुल फ्री दित्तियां जाणगियां, कोई पैसा नहीं लगेगा तुहाडा। धन्नवाद। महाराज बाकी सब तो वधिया तुहानूं तरीके नाल इन्हां ने समझा दिता, ठीक है जी। कोई गलती हुई हो साडे कोल तो माफ करना जी, ठीक है। डॉक्टर साहब दे कोल ना गोलियां तो आए नहीं, गोलियां तो ओडे पिंड जांदे ना गोले आ फ्रॉ दूसरे ब्रांड दे लागे गोले, तो ऑपरेशन करके बह गया जिते ने ना रात पई, ते हुण उठया रात नूं जिहड़ा जे फ्रेंड पाके गया ना, ओ जो रात नूं उठया बाथरूम जाण वास्ते ते हुण उस वेले रौली पाती, कहिंदा मैं तां देंदा ही कुछ नहीं। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਰਾਇਣ ਜਗਾਈ ਨੀ ਨੇਰੇ ਘੁੰਮਦਾ ਨੇਰੇ ਹੀ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੈ ਜਗਾਈ ਨੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੈ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਉਣੀ ਦਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਵਾਈ ਨੀ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦਵਾਈ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਖੂਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕੰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਪੱਟੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇ
दिन कटे मेरी प्रीत गोविंद स्यों, जिन कटे मैं तो मोल महंगी नहीं जी सटे।